हमारे घर में शादी वाला मटर पनीर हर किसी को पसंद आता है, बट जब भी हम घर में बनाते हैं तो वो टेस्ट और टेक्सचर नहीं आ पाता है। तो बाई चांस मेरे पापा के एक फ्रेंड बावर्ची हैं, आज वो घर पे आए तो पता चला जैसे हम नॉर्मली मटर पनीर बनाते हैं वैसे शादियों में बनता ही नहीं है। इसका प्रोसेस काफी अलग होता है। वो लोग पहले से ही ग्रेवी को बना के रख लेते हैं और बस उसमें ही मटर पनीर डाल के पकाते हैं। तो जो ग्रेवी हम शाही पनीर में यूज करते हैं ना, वही ग्रेवी यूज करेंगे। तो प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, काजू और नमक डाल के इसे पकाएंगे, फिर पीस के पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, गरम मसाले डालेंगे, कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, साथ में वही बेसिक मसाले जाएंगे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक और गरम मसाला पाउडर, जो बनाया हुआ पेस्ट था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। तो ये ग्रेवी बनके तैयार हो जाती है। अब बावर्ची क्या करते हैं ना, इस ग्रेवी को बना के पहले से ही स्टोर कर देते हैं और बाकी का प्रोसेस बाद में करते हैं। तो हमने इसमें क्रीम, मटर और पानी डाल के थोड़ी देर पका लिया है, फिर फ्राई करी हुई पनीर डालेंगे, लास्ट में हमने इसे कसूरी मेथी से गार्निश करके अंकल को गर्मा गर्म सर्व किया। तो बहुत पसंद आया, अब आप भी ट्राई करना और बताना कि शादी